कई बार हम ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हमें लगता है कि सिचुएशन ही ऐसी थी इस वजह से ऐसा हो गया, या कभी हम फंस जाएं या हमारा कोई नुकसान हो जाए या हम असफल हो जाएं तो हम लक को कोसने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद इस सिचुएशन की वजह से ऐसा हुआ। अगर ऐसा ऊपर से स्थिति नहीं होती या सामने ऐसी स्थिति नहीं होती तो मैं ऐसी मुसीबत में नहीं फंसती या इस वजह से मैं असफल हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी हैंडलिंग, हम उस समस्या को किस तरह हैंडल करते हैं, उस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। एक बार एक रेस्टोरेंट में एक लेडी चाय पी रही थी तो अचानक जैसे ही उसने कप उठाया उसके हाथ पर एक कॉकरोच छोटा सा आकर के एकदम गिरा। वो एकदम घबरा के खड़ी हो गई, चीखने चिल्लाने लगी, अपने आप को झाड़ने लगी, हाथ झाड़े, कभी इधर से झाड़े, कभी कपड़े झाड़े, और कॉकरोच इधर से उधर चलता जाए, और पूरे रेस्टोरेंट में अचानक शोर मच गया। उसकी कोई सहेली थी पास में, वो उसके पास ही चीखती चीखती भाग रही थी। तो जैसे ही वो भाग रही थी तो वो कॉकरोच उस लेडी से उड़ करके दूसरी लेडी के ऊपर जाकर बैठ गया। अब जैसे ही दूसरी लेडी के पास गया वो जोर जोर से हंगामा करने लगी, हाँ बचाओ बचाओ बचाओ। सारे रेस्टोरेंट में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। अब ये लग रहा था कि अब कैसे स्थिति से निपटा जाए, कहीं खाना गिर रहा था, कहीं टेबल गिर रही थी, स्थिति सुधर नहीं रही थी। तभी एक वेटर आया, वेटर उसके पास आकर के जैसे ही खड़ा हुआ वो वेटर के ऊपर चला गया कॉकरोच। लेकिन वेटर ने ना तो शोर मचाया ना ही इधर उधर दौड़ा, धीरे से हाथ बढ़ाया उस कॉकरोच को कसके पकड़ के और बाहर फेंक दिया। जैसे ही बाहर फेंका वो कॉकरोच बाहर चला गया, रेस्टोरेंट में शांति हो गई। तो क्या हुआ कि आपको ऐसा लगा कि कॉकरोच की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन वास्तविकता ये थी कि अगर उस महिला को उस सिचुएशन को हैंडल करना आता तो वो आसानी से वही काम कर सकती थी जो एक वेटर ने किया। कॉकरोच क्या कर सकता है, किसी का क्या बिगाड़ सकता है इतना छोटा सा कॉकरोच। लेकिन आपके मन में डर पैदा हुआ, आपके मन में हमेशा कॉकरोच के लिए डर बैठा रहता है, तो ये स्थिति को बिगाड़ने वाली बात थी। अगर आप सिचुएशन को किस तरह पोजीशन आपके सामने आती है और आप उसको हैंडल करते हो तो स्थिति सुधर जाती है। अब वेटर को भी तो काट सकता था अगर काटने वाली चीज होती, नहीं, लेकिन वेटर ने हिम्मत से काम लिया, पेशेंस के साथ उसको उठाया धीरे से और बाहर जाकर के फेंक दिया। जैसे ही वो कॉकरोच बाहर गया सारी शांति हो गई, सब अपने अपनी टेबल पर बैठकर खाने लगे। तो आपको सिचुएशन को हैंडल करना आना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आप सिचुएशन को हैंडल नहीं करोगे तो इसी तरह शोर मचाते हुए जिंदगी में रह जाओगे। तो आप जिंदगी में हर सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए। अगर आपको लगता है कहीं आपकी फैमिली में कोई मिसअप हो गई है और आप पढ़ नहीं पाए हैं तो आप रिजल्ट में यही कोसते रहेंगे कि मेरी पढ़ाई इस वजह से नहीं हुई। तो आप उस सिचुएशन को आने से पहले अपनी तैयारी पूरी रखिए, पता नहीं कल क्या हो, टाइम से पढ़ते रहिए। आप पढ़ते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई की हुई होगी तो आप कम भी पढ़ पाएंगे तब भी आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। हर चीज की तैयारी रखिए, टाइम से काम कीजिए और जो सिचुएशन आपके सामने आए उसको सही तरीके से हैंडल करना सीखिए। देखिए आप हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, आपको मोटिवेशन पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब।